आज पनकी स्थित प्रोविंशियल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा होली मिलन समारोह का कार्यक्रम किया गया, जिसमें एक से बढ़कर एक गीत गाकर महबूब भाई ने सभी का दिल जीत लिया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए वरिष्ठ समाज सेवी श्री मुरारी लाल अग्रवाल जी, और इस अवसर पर सभी कार्यकारिणी सदस्य व पदाधिकारी उपस्थित रहे। बड़े धूमधाम के साथ होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। देखिए एक खास रिपोर्ट कानपुर से। ये जो एसोसिएशन है कानपुर एसोसिएशन में, इसका चेयरमैन जरूर हूँ, पर इसके मालिक हमारे मनोज मंका और सुनील गुप्ता हैं। आज जो भी कहेंगे ये कहेंगे हम खाली इनके साथ हैं। बोलिए। देखिए एसोसिएशन, इस संस्था का कोई भी मालिक नहीं है, ये हमारी एक सार्वजनिक संस्था है जिसमें हम सब पदाधिकारी हैं और अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं, और उस दायित्वों के निर्वहन के अंतर्गत आज हम लोग होली मिलन समारोह एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हमारे पनकी इंडस्ट्रियल एरिया, दादा नगर, फजलगंज, रूमा और आपके भौती और रनिया और जैनपुर से हमारे उद्यमीगण आज यहाँ हमारे बीच में पधारे हुए हैं और एक दूसरे से मिल करके एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। और ये ऐसा आयोजन इसलिए किया जाता है ताकि हम उद्यमी एक दूसरे से मुखातिब होते रहें, एक दूसरे के बारे में हम सब जानते रहें, और ये बड़ा शानदार कार्यक्रम हो रहा है। और हमारे जो संस्थापक अध्यक्ष जी हैं सुनील गुप्ता जी, बाकी और आपको आज इस कार्यक्रम के बारे में और इस समारोह के बारे में बताएंगे, परिचय देते बताइए। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम सुनील गुप्ता है और मैं प्रोविंशियल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का संस्थापक अध्यक्ष हूँ, और जिस प्रांगण में आप हैं ये पनकी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जो हमारी पुरानी एसोसिएशन थी, आज भी है पनकी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, आप उस प्रांगण में हैं। और यहाँ पर हम केवल एक ही बात कहेंगे, हम सब देख करके केवल इतने खुश हैं कि चलो हमने जो पेड़ लगाया था जिस उद्देश्य के साथ पनकी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का गठन किया था, तो दादा नगर के और इधर उधर के लोग, शहर के बाहर के भी लोग हमारी ऊर्जा को, हमारे संघर्ष को, हम सबके योगदान को देखते हुए लोग आए और कहा भैया हमें भी जोड़ो, हमें भी जोड़ो। तब हमने इसका प्रोविंशियल नाम रखा। आज हमारी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रोविंशियल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन काम कर रही है, और इसमें आप सब पत्रकार छायाकारों का और जो प्रिंट मीडिया, टेली मीडिया, जितनी मीडिया, सबका बड़ा सहयोग मिला। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। सुनील जी बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो आपके भावी चेयरमैन हैं पूरे कानपुर के अंदर? देखिए इनके बारे में मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं निःशब्द हूँ। बस मैं इतना ही कहूँगा कि ये सौभाग्य हमारी संस्था का है, क्यों हम इसे हमारी संस्था कहेंगे, क्यों सबसे पहले पनकी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में मेंबर हम भी बनाने भैया गए थे, सुमित केमिकल में आप बैठे थे, जो आज दुर्भाग्यवश जो नहीं है, जिसमें आग लग गई थी। और बाकी आज ये पूरे शहर का जिस तरीके से उपकार और भला और अच्छाई कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये जो पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है और तो सब चीज़ चलती हैं, लेकिन इसका कोई जोड़ नहीं है, इसके लिए ये सदैव याद रखे जाएंगे। मैं इनके लिए यही बात कहना चाहूँगा।